यस आज स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बेसिकली डोमेन और रेंज पर बेस्ड टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, पर अगर डोमेन और रेंज के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम जस्ट 5 मिनट में डोमेन रेंज और बेसिक फॉर्मूले इनवर्स के रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद जो इनवर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं। राइट, लिमिटेड टाइम है अगर आपके पास, तो सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर पहले सॉल्व करो, उससे आपको एक आइडिया मिलता है कि हमें प्रिपरेशंस को किस लेवल पे लेके जाना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें, इन जनरल बात करें, y इक्वल टू साइन x, देयरफॉर x इक्वल टू साइन इनवर्स y। राइट, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, डोमेन रेंज के बिना आप कभी भी इनवर्स के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो जब भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ें, इसलिए इनवर्स में हमेशा प्रॉब्लम आती है, सबसे पहला काम आपको डोमेन और रेंज का रिवीजन करना चाहिए। तो सपोज फंक्शन की बात करें, यहाँ फंक्शन ले लेते हैं, डोमेन एंड रेंज, ज़्यादा अभी नहीं करेंगे, शॉर्ट में करते चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें साइन एक्स की, डोमेन है रियल नंबर, रेंज है -1 to +1। इसी का इनवर्स फंक्शन हुआ साइन इनवर्स एक्स, डोमेन इज -1 to +1, रेंज इज -π/2 to π/2। याद रखिएगा किसी भी इनवर्स का जो रेंज होता है, किसी भी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की हमेशा डोमेन होती है, पर रेंज के लिए ऐसा नहीं, क्योंकि रेंज डिपेंड करती है इनपुट पर। जब आप बड़ा इनपुट देंगे 1 तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2, स्मॉल देंगे तो -1 तो -π/2। तो याद रखिए साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन करेंगे तो -π/2 से स्मॉल आंसर और +π/2 से ग्रेटर आंसर कभी नहीं आएगा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट बात करूँ कॉस एक्स की, तो डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज -1 to +1। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स की, डोमेन इज -1 to +1, रेंज इज 0 to π। राइट, यानी आपको कॉस इनवर्स से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन मिले तो आप हमेशा याद रखिए कि आंसर हमेशा 0 to π बोलिएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ टेन एक्स की, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। π/2 के मल्टीपल पे 10 डिफाइंड नहीं होता। रेंज की बात करें तो -∞ to +∞। राइट, ये 3 मेजर फंक्शन है जिनकी अगर आपको याद रहेगी तो मैक्सिमम क्वेश्चन साइन कॉस और टेन पर ही आते हैं, बट हम अभी क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो हम सारा रिवाइज करते चलें। नेक्स्ट अगर बात करूँ, अब इसके इनवर्स की भी लिख लीजिए यहीं पर, टेन इनवर्स एक्स होगा तो -∞ to +∞। रेंज की बात करें तो -π/2 to +π/2, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखिएगा -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं sec x की, sec x मतलब 1 upon cos x, डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अगर रेंज की बात करूं तो इसका कॉस का रेसिप्रोकल है तो -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। नेक्स्ट बात करते हैं sec इनवर्स x की, डोमेन इज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞ एंड रेंज इज sec इनवर्स है तो याद रखिएगा 0 to π एक्सेप्ट π/2। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कॉसेक एक्स, डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, डोमेन रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, रेंज इज -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। राइट, नेक्स्ट कॉसेक इनवर्स एक्स, डोमेन इज -∞ to +-1 यूनियन ऑफ 1 to ∞ एंड रेंज इज -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट इज कॉट एक्स, कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, डोमेन इज रियल नंबर एक्सेप्ट nπ, रेंज इज -∞ to +∞। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स, -∞ to
प्लस इन्फिनिटी राइट कॉट इनवर्स एक्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यस रेंज क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी ओपन इंटरवल 0 to π ये एक बेसिक फिगर आपको ध्यान रखना है बहुत काम में आएगा डोमेन रेंज ये फंक्शन का भी पोर्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी पोर्शन है इनवर्स के हम बेसिक फॉर्मूले को हम क्विक में रिवाइज करें तो बहुत जल्दी कर लेते हैं देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कैलकुलस में भी बहुत यूज होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स याद रखिएगा सारे फॉर्मूले डोमेन और रेंज पे बेस्ड हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू अगर ये एक्स सेम है तो रिजल्ट पाई बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज पाई बाई टू नेक्स्ट इज साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स वन बाय एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स एक एक फॉर्मूले से भी क्लियर हो जाएगा साइन इनवर्स वन बाय एक्स अगर साइन से कॉसेक में जाएंगे तो एंगल का रेसिप्रोकल होगा राइट नेक्स्ट बात करते हैं सबसे काम में आएगा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा या एक्स थीटा बिलोंग टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड रिमेंबर साइन इन टू साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो एक्स बट एक्स बिलोंग टू माइनस वन टू प्लस वन इस फॉर्मूले का मतलब है मैंने आपको जब इनवर्स पढ़ाया था बताया भी था जैसे साइन इनवर्स साइन 2π/3 लिखा है तो आप गलती से 2π/3 मत लिख देना ऑप्शन ए यही मिलेगा सबसे पहले क्या करें साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख लीजिए राइट साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री इज 2π/3 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री तो रिजल्ट आया पाई बाई थ्री याद ये रखना है कि साइन का कोई भी क्वेश्चन हो इनवर्स का तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ही रिजल्ट रहना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें हम अक्सर मिस्टेक कर देते हैं तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो डोमेन रेंज पे बेस्ड हैं अगर मैं बोलूँ कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो आप बोलेंगे एक्स एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई लाइक दिस राइट नेक्स्ट बात करते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा एंड रिमेंबर कॉस इनवर्स माइनस थीटा इज पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा टेन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस टेन इनवर्स थीटा लाइक दिस राइट नेक्स्ट फॉर्मूले पे बात करें थ्री लिखते चलूंगा मैं फॉर्मूले साइन कॉस टेन यही सबसे इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन ए प्लस बी से इसका प्रूफ होता है दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर अगर प्लस की जगह माइनस हो तो यहाँ माइनस ले लीजिएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट प्लस पे माइनस आएगा कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले से प्रूफ है उसका और अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आएगा नेक्स्ट बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई बहुत यूज में आता है फॉर्मूला अगर यहाँ पे माइनस हो तो आप माइनस ले लीजिए या प्लस ले लीजिए राइट नेक्स्ट अगर बात करें जैसे टू साइन इनवर्स एक्स अब बाकी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा साइन इनवर्स टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर सपोज टू कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन सपोज मैं बोलूँ 2 टेन इनवर्स x टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस राइट अब हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ जो जो रिविजन्स आएगा जो जो फॉर्मूले आएंगे वो बताता हूँ चलूँगा जैसे अगर हम एक क्वेश्चन देखें आईआईटी का क्वेश्चन है ये क्या क्वेश्चन है कॉट इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स इक्वल टू एक्स देन द वैल्यू ऑफ साइन एक्स की वैल्यू बतानी है अब क्या करेंगे साइन एक्स की वैल्यू कैसे बताएंगे तो देखिए अब या तो इसको दोनों को टेन में कन्वर्ट कर लें
या ऑल टू को हम कॉट में कन्वर्ट कर लें, ये सबसे अच्छा तरीका होगा जिससे कि हम क्वेश्चंस को सिंपली तरीके से सॉल्व कर पाएँ, राइट। सपोज मैं इसको लिखूं, देखिए आपको ये पता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई टू। तो मैं चाहूं तो कॉट इनवर्स एक्स को, ये कॉट इनवर्स एक्स है, इसको लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स माइनस टेन इनवर्स रूट कॉस एक्स, नहीं अल्फा है ये, अल्फा इक्वल टू एक्स, राइट। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐसा हो जाएगा, ये टू टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं, रूट कॉस अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ऑफ एक्स, राइट, इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। या ऐसा भी बोल सकते हैं, टू उधर चला गया तो टेन इनवर्स रूट ऑफ कॉस अल्फा इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। इसका मतलब रूट रूट ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई टेन पाई बाई फोर माइनस ऑफ एक्स बाई टू, राइट। कितनी आ गई, रूट ऑफ कॉस अल्फा की वैल्यू टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं रूट कॉस अल्फा इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू, राइट। क्या बोल सकते हैं, वन माइनस टेन, टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले से इसे ओपन कर सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इन टू टेन बी, सॉरी माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। अब अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो देखिए क्या होगा, स्क्वायरिंग कर दूं तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस टेन, अच्छा इसको आप चाहो तो साइन कॉस में चेंज कर लो, आपके लिए इजी होगा, तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अगर मैं बोलूँ आपसे इसका स्क्वायर करें तो ये मिलेगा वन माइनस वन माइनस, देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, समझिएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। इसका मतलब ये मिलेगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन, ये मिलेगा वन प्लस साइन एक्स जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई, इसका मतलब आपके पास वैल्यू आ गई, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें कंपोनेंटो डिवेंडो लगा दो तो कंपोनेंटो डिवेंडो से क्या होगा, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस अल्फा प्लस वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस वन इक्वल टू वन माइनस साइन एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स माइनस वन माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। एक तरह से ये हुआ कॉस अल्फा प्लस वन अपॉन कॉस अल्फा माइनस वन, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर वन से वन कैंसिल, तो टू अपॉन माइनस टू साइन एक्स, राइट। इसका मतलब एक तरह से हम देखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, एक तो माइनस साइन है तो माइनस साइन में चाह रहा था कि इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, तो देखिए साइन एक्स की वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ पर इनवर्स के लिए फंक्शन के फॉर्मूले पर अच्छा कमांड होना चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करें तो टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, टू से टू कैंसिल, इस तो ये आ गया आंसर साइन एक्स का टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू, राइट। करेक्ट आंसर इज टेन स्क्वायर अल्फा बाय टू। फिर समझ लीजिए क्या करा, कॉट को लिखा पाई बाई टू माइनस टेन, ये टेन में कन्वर्ट हो गया पूरा, यहाँ पर रूट कॉस एक्स आया, इसको कॉस साइन में चेंज कर दिया क्योंकि साइन पूछा था, इसको सॉल्व किया तो ये आया, यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया ये हाफ एंगल फॉर्मूले से आया है। आप जब इसको लिखेंगे देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इन टू कॉस एक्स बाई टू, दिस इज वन प्लस साइन एक्स, ऐसे ऊपर वन माइनस साइन एक्स हो जाएगा, फिर हमने कंपोनेंट डिविडो लगा दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका साइन एक्स आ जाता है, नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 2003 का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टू साइन इनवर्स हैज सॉल्यूशन फॉर, ऑप्शन दिए हुए हैं वन बाय टू से वन बाय रूट टू, मॉड ए लेस देन वन बाय टू, मॉड ए
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लाइक दिस, राइट। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हम समझें साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ए। अब आपको पता अगर ये साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स का जो रिजल्ट होता है वो आपको ऑलरेडी पता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में होता है, यस और नो। अब साइन इनवर्स एक्स क्या है, 2 साइन इनवर्स है तो माइनस पाई बाई 2 टू 2 साइन इनवर्स ए लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, ये 2 का डिवाइड हो गया तो माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। अगर मैं इसको ले लूँ तो साइन माइनस पाई बाई 4 टू साइन प्लस पाई बाई 4, मतलब माइनस 1 बाय रूट 2 से माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2। अब माइनस माइनस बी टू माइनस कभी भी प्लस बी लिखा हो तो इसको आप मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। इस सेम थिंग कि यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 1 बाय रूट 2, मतलब माइनस 1 बाय रूट 2 से प्लस 1 बाय रूट 2। अब ऐसा कोई ऑप्शन या तो ये भी नहीं है, ऑल रियल वैल्यू हो नहीं सकता, ये ग्रेटर देन हो गया। अब अगर सी को देखें हम ध्यान से तो हमें पता है 1 बाय रूट 2 मतलब 0.8 के करीब, 1 बाय 2 मीन्स 0.5, ये इसी का एक सबसेट हुआ। याद रखिए 1 बाय रूट 2 इज ग्रेटर देन 1 बाय 2, तो इसका मतलब ये इसका एक सबसेट हुआ, तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर सी बोल सकते हैं, राइट। नोट डाउन, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए 2005 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ़ कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बाई 2 इक्वल टू अल्फा देन 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर हम एक केवल फॉर्मूला यूज करें, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं ये यूज करूँ तो देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई सॉरी एक्स इंटू वाई तो एक्स वाई बाई 2 माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू अल्फा, राइट। ये कॉस इनवर्स गया तो ये कॉस अल्फा हो गया, मतलब हमारे पास एक तरह से स्टेप ये आई एक्स बाय अपॉन 2 एक्स वाई अपॉन 2 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कॉस अल्फा। अब अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो एक्स वाई अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा एक्स वाई अपॉन 2 माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू, या ऐसा सोचिए कि इसको लेगा किसी एक को भी ट्रांसफर कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई अपॉन 2। अब देखिए जिस फॉर्म में आंसर दिया उस फॉर्म में लाने के लिए इसकी स्क्वायरिंग करी, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 एक्स वाई से 2 कैंसिल तो एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4, राइट। ये स्क्वायरिंग करिए, अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4। अब देखिए ये वाले टर्म कैंसिल हो गए और आपको जो दिया हुआ है इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम लेके 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा आप, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा जो कि किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर अल्फा के, जो हम अगली स्टेप में भी लिख सकते हैं, राइट। ये कॉस स्क्वायर अल्फा है, इसको आप चाहो तो लिख लो, ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ देखिए क्या क्या किया मैंने, या ध्यान दीजिएगा आप, कुछ मत करिए आप, इसमें कंफ्यूज भी मत होइए। अब देखिए सारे टर्म को अगर मैं एक तरफ लाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, केवल इसको लेके आया हूं, माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू जो बचा है वो यहां लिख दिया अभी मैंने, माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा, राइट।
अब देखिए 1 माइनस कॉस का अल्फा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये लिखा साइन स्क्वायर अल्फा, इसको वहाँ ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, अगर मैं एलसीएम लेने को बोलूँ तो 4 आएगा, तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x वाई कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा है तो आंसर हो गया 4 साइन स्क्वायर अल्फा। क्या आंसर हो गया? 4 साइन स्क्वायर अल्फा। नोट डाउन।